हम देखेंगे आज दिन का यह सबसे मजबूत और तगड़ा मुकाबला, पावरफुल मैच जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और कोई ओके दे शॉट लगी नहीं तो अबुरन गोरा चांद का है नहीं हो नहीं तो हम संतोष ट्रॉफी का देखना उड़ीसा को उड़ीसा लगी है गति ला उड़ी पर्याय नहीं ला लेकिन उन्हें हजू आप साइड ना कॉल बनारसी कोई की नामी ग्रामी फुटबॉलर को बुझे ले को और हमारे तीन नोडला तेरा गतिविधि कवरेज करा इकल लख जो है आई माधिर जब वीडियो को नोडे कोई अपलोड हो कर था से लाइव को जब चला कर था तो नारे कहीं ना कहीं कमेंट रहती जस्ती कुकली तो है करना ये रोंडे ना मैं चुका लाइव चला आसे बंग ब्रेन का नोडे चेकिंग बनाए ना तो निश्चित रूप से नेटवर्क अड़ी जस्ती प्रॉब्लम भैया कान करों थे नोडे कौन लाइव बंग चला दरी करना उन्हें इतने दिसंबर यहाँ कोटे इकले फजो करना नोडे ना टूर्नामेंट ना उका लाइव चला ना कथा तो है करना बंग चला करा इतने अड़ी प्रयास तो है कर गया कि कम से कम नोडे ना मैच लाइव चला लेकिन वाईफाई ना उका हो नोडे उका रेंज करा थोड़ा कन ज्यादा नोडे कोई वाईफाई में ना गया मन खान थोड़ा कन नोडे कोई डिस्टेंस ज्यादा करों थे कहीं ना कहीं सपोर्ट बांग ही उकना और उना करों थे नोडे का उका दो मैच ना उका लाइव चला ना कथा है करा उना नोडे कोई बांग चला दरिया करा एक लेख जो लेकिन अड़ी उसे ना की था कहीं ना कहीं अयुब से की नोडे ना तिरत तिहिया दिन ना उका मैच करा हर एक मैच ना एसपी फुटबॉल प्रोग्राम ना यूट्यूब चैनल रहे उना को अपलोड तो बुना यहाँ की मैच बुन मिस बड़ा होगा कहीं बबुन नियंत्रण ले खाई आसु कहते हैं एसपी फुटबॉल ब्लॉगर रहा उना मैच बुन जाला और इंजे थोड़ा सा बॉक्स का आवाज कम कर दीजिए बॉक्स का आवाज कम कर दीजिए तो निश्चित रूप से हम यही चाहेंगे कि जितने भी दूरदराज से हमारे दर्शक बंधु हैं जितने या हमारे एसपी फुटबॉल ब्लॉगर की इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि यहाँ का हर एक गतिविधि यहाँ का हर एक मैच का जो अपडेट है आपको मिलते रहे और जिस प्रकार से मैच शुरू हुआ है अभी रंजीत मरांडी के छत्र में भागे और इसी बीच गेंद पोजीशन यहाँ थोड़ा सा अपना संतुलन गवाने के बाद यहाँ गेंद पोजीशन इस बार और कई ऐसे प्लेयर्स जो है खास करके यहाँ पर जो किंग फिशर फुटका टीम से जो प्लेयर्स को हम देख पाएंगे खास करके साधु मंडी हुए रंजीत मंडी गोरा चांद जी ये सारे इस बार जो हाल फिलहाल जो मैच हुआ जमशेदपुर जो प्रीमियर लीग था उसमें कहीं ना कहीं ये सारे टाटा मोटर्स की टीम से खेल रहे थे तो ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स को हम आज इस शीत पहाड़ी के राजी चला नवा टीम रिया खासियत ये की अटी मौज अकवा पोजीशन को बना रहा और कोई नोडे दुर्गापुर टीम से कोई बुनियाद को नहीं ग्राउंड रे कभी गाजल मलदा जतन तो गाती बुनियाद बड़ा होगा को और जब बंगाल और झारखंड रिया प्ले स्टाइल अगर मीठे खेल रहे आपसे टक्कर भी हुआ तो नारिया अलग ही मजा था है बड़ी मौज मौज एकेडमी का उड़ू बना खिलाड़ी के ना खुद को फुटका टीम से कोई कोई बुनियाद को किंग फिशर फुटका टीम से कोई और जहां बुन कथा है गाइस नोडे दुर्गापुर टीम नुको हो बंगाल साइड रे नडी नामी ग्रामी टीम रे खिलाड़ी के ना को का दो छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ टीम पूरा सेट प्लेयर को नोडे को सजा सपड़ा होगा को खिलाड़ी बहुत गीता की ना बना रहे डिसिप्लिन सला बना टीम भी उकार लेकिन अब मैच चल बुन मैंने था उनका की बना साफ सुथरा खेल बना टीम की दो करा सिर्फ स्कोर या नोड़े दरकार बिना नहीं रंजीत अड़ी नामी ग्रामी खिलाड़ रहे नहीं है लिखा करा मैंने कहा निधवी अगर हम यहाँ खाए साधु मंडी उनका ना टचस भाई जाम का बॉल उन्हीं थे निधवी बांस से ठहर करा आ,
फिर से साधु मंडी बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए देखिए दर्शकों का प्यार इस खिलाड़ी के प्रति है, जुनून है। और देखिए बॉल को होल्ड करने का ये खिलाड़ी कर खेल दिखाने का प्रयास करेंगे जरूर इस मैदान पर। साधु कुछ कमाल दिखाना चाहते हैं। पोटका टीम के तरफ से स्टार खिलाड़ी घोराचंद मांडी संतोष ट्रॉफी में इस बार उड़ीसा टीम के लिए योगदान दे चुके। हेलो हेलो। और यहाँ पर तुषारदा जैसे जैसे मैच का जो समय है ये निकलते जा रही है बढ़ती जा रही है मैच में, यहाँ पर कहीं ना कहीं दर्शकों का भी जो है जो निगाह है इस मैच में टिकी हुई है कि कब यहाँ से मैच में यहाँ पर गोल आए। ये हो जाएगा ऑफसाइड क्योंकि ये प्लेयर्स पहले से ऑफसाइड के ट्रैक में आ चुके थे। और मैं बता दूं इस मैच में एक स्पॉन्सर राशि आ गई है, यहाँ जो फोर्थ ऑफिशियल मंच है उसमें मंचा सिंह जो फुटबॉल से काफी ज्यादा नजदीकी रहते हैं काफी ज्यादा लगाव रखते हैं हमारे घाघर यानी पंचायत के पंचायत मुखिया नायिका सोरेन की ओर से स्पेशल साधु मरंडी के लिए 1001 रुपया का नगद इनामी राशि है। अगर साधु जी गोल करते हैं तो उनके लिए मुखिया साहब नायिका सोरेन की ओर से 1001 रुपया का स्पॉन्सर राशि रखा गया है प्रथम गोल के लिए। चलिए भाई भाई थे खिलाड़ी को सपोर्टर्स को अपना अपना खेमा से खो बना अपना पसंदीदा टीम रख खिलाड़ी को सपोर्ट है और जरूरी होगा लिया क्योंकि दर्शकों का सपोर्ट खिलाड़ी के लिए बहुत मायने रखता है और खिलाड़ियों को अपने अच्छे खेल के लिए प्रेरणा सिर्फ ऑडियंस ही दे सकते हैं जब उसका अगर हौसला बढ़ाएंगे और निश्चित करें खिलाड़ियों का जोश बढ़ेगा। बहुत ही सुंदर सही जगह पर बॉल को टपकाया है लेकिन देखिए बॉल को बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर डेंजर एरिया से बॉल को निकाला है लेकिन छोटा दुर्गापुर की टीम कितना बेहतर तालमेल के साथ बॉल को लेकर बढ़ रहा है। दोनों टीम का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छा है और पूरे खिलाड़ी पूरे ग्राउंड का यूटिलाइज करते हुए पूरे ग्राउंड में बॉल को पास बनाते हुए देखिए खिलाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंस सही जगह पर पास बनाते हुए और वहां पर गुमान सिंह जर्सी नंबर 2 में पुट्टा की तरफ से खेलते हुए जबकि जर्सी नंबर 15 पहने हुए सुनील सरदार फिर से वहां पर बॉल को सही तरीके से जज नहीं कर पाए थे खिलाड़ी पुट्टा की और मौका जरूर बन रहा था छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ की टीम के लिए लेकिन उस मौके का ज्यादा कोई फायदा नहीं क्योंकि उस तरीके का वो नहीं बना पाए। हालांकि एक कॉर्नर की इस मैच में पहली बार तीन पहाड़ की टीम के पास इस समय मौका है पहला स्कोर करने के लिए। फर्स्ट हाफ का ये एक बहुत ही बेस्ट वक्त गोलकीपर किसी तरह से बॉल को पंच आउट किया और फिलहाल बॉल को लेकर सुनील मांझी रंजीत के लिए और रंजीत बहुत ही तेज़तर्रार ये हिटर माने जाते हैं बॉल को लेकर अंदर घुसे में शॉट लगाया लेकिन सीधे गोलकीपर के हाथ में। रंजीत मंडी टाटा मोटर्स ने नए खिलाड़ी के दाएं पुनारायण प्रोडक्ट के दाएं अति बेहतर प्रदर्शन निधवी लंकी गोलकीपर अपूर्व रॉय कभी डीएम मैदान रन दिशा कभी नई हॉ बेस्ट किल गोलकीपर या खिताब है जीता कर निया चलावन साल से उना कोई लहा साल इन दिशा नई गोलकीपर गाजल मालदा टीम का गति क्या था अदो अनुभव मिला थे नवा टूर्नामेंट रहे चिलिका नवा ग्राउंड रिया यहाँ के लोगों का किस तरह से एक एक्सपेक्टेशन रहता है एक खिलाड़ी के ऊपर में लेकिन बहुत ही अच्छा संतुलित खेल चलता हुआ दोनों टीम की ओर से सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या गोल खिलाएंगे। हाँ साधु मंडी
क्या गुल खिलाएंगे यहाँ से, यहाँ पर अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हुए गोराचंद और रंजित मड्डी का तिगड़ी। फिर से रंजित बॉल को जीत लिया, देखते दो तीन खिलाड़ी को पीछे छोड़ चुके हैं और साधु के लिए अच्छा पास, यहाँ क्या फिनिश कर पाएंगे, शॉट लगा लेकिन थोड़ा सा पोस्ट के बगल से, बहुत ही अच्छा वहां पर पूरी तरह से बॉल को नियंत्रण में रखा था, लेकिन वहां पर साधु जी का और रंजीत जी का वहां अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा था। जिस प्रकार से रंजीत वहां पर मूव बना रहे थे, वहां कुछ क्षण ऐसे लगा कि रंजीत भी खुद शॉट लेंगे, लेकिन जैसे ही पोजीशन देखा साधु का वहां पर तुरंत ही उनको गेंद को प्लेस किया। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग देखा गया ये खास करके इस मैच में देखने को मिल रहा है। और जितने भी टीम आए हैं यहाँ पर प्रत्येक खेल जो है आज बहुत ही बेहतर रहा है। सरिगत फिर से नोडे साधु बॉल जरूर पड़ा हुआ अक्रूट हुई था, लेकिन नोडे जल में गोराचंद सही पोजीशन रहेगा था तीनों कोई बॉल हटिंग को करा फर्स्ट एवरेज जल में नहीं तो बॉय बॉय किंग फिशर पटका हुआ खिलोड़े हो नहीं तो बॉय बॉय सूत्र पैन तक हुआ और अड़ी लॉन्ग पास लंबी बॉल डिलीवरी नोडे हाफ रन खिलाड़ी होते तो ताहे कदम रंकी नोडे हाई बूट चैलेंज रिया इस तरह हुई क्या बीटे अकुआ हाफ कोई गिरी ट्रिकिंग जरूर उड़े बना टीम की पहल हाफ रहे बीटे अटैकिंग माइंडसेट के साथ खिलोड़िया को प्रयोग हालो अच्छा नवा स्टेज को मेन स्टेज को लगा रखा होगा तो बॉक्स धो कर उना बॉक्स ना होगा स्टेज को बना होना चितान ग्रुप पे देजो करा अबे फेड़ो पे उड़े बके को हुड़ो जीरो किया उड़े कोई फेड़ो पे कभी जी गुड़ा उड़े थोड़ा कम ध्यान को पे उना बॉक्स होगा धो कर स्टेज ना रहे तो देजो करा खास करके अबे ठे नहर दहे ना यहां पे उड़े कोई फेड़ो पे जितने भी बॉक्स के स्टैंड में चढ़े हैं या बॉक्स के ऊपर में आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप उससे नीचे उतर जाइए जल्दी, अन्यथा वहां पर कमेटी के जो लड़के पे है अगर वहां पहुंच गए तो आपके लिए दिक्कत होगा, आप उतर जाइए वहां से प्लीज। प्रेम टीम वन नोडे 14 नंबर रखो है सुनील मांझी और नियंता जरूर सही ठिकाना रहे उड़े सुनील सरदार बनाया 15 नंबर रहे हालांकि नींद धबी इधर नजदीक हो ऑन टारगेट शॉट बन हुई कि ना जेल का भी धाव साधु और टारगेट रे शॉट जरूर था गरम हालांकि गोल रे बांग बदल रहा अलग कथा गरम मैनखान मरा टीम यारी मौज जाती तो नहीं और नींद धबी नवा मैच रहे छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ टीम हो और ना नजदीक हो शॉट या बोका बको इनका हुआ और ना इस सप्ताह बुझे दड़े करा तीन पहाड़ टीम रहे डिफेंडर हमारी मजबूत गया को बहुत ही महत्वाकांक्षी बहुप्रतीक्षीय मैच हम लोग देख रहे हैं जिस टीम का पूरे दुनिया पूरे झारखंड के अंदर से और पड़ोसी राज्य से भी लोग सवाल पे सवाल कर रहे थे कि आखिर किंग फिशर पटका की टीम इस बार कब आ रहे हैं कौन खिलाड़ी आ रहे हैं और काफी लोगों को जिज्ञासा था और हम लोग अपने आंखों से देख पा रहे हैं और कहते हैं कि जिसके ऊपर उम्मीदों का बोझ ज्यादा होता है वो बहुत ज्यादा संभल कर आगे चलते हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ किंग फिशर पटका की टीम भी जरूर दबाव बना रहे हैं लेकिन उस तरीके का मोमेंटम नहीं बना पाए। हालांकि छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ की टीम उनका खेल बुरा नहीं है बशर्ते कि डिफेंडर बॉल सप्लायर में थोड़ा सा उनको तकलीफ हुई है फर्स्ट हाफ में उतना बेहतर तरीके से अपने साथी खिलाड़ी तक बॉल पोजीशन नहीं बना पाए हालांकि अभी तक प्रयास जारी है इस मैच में काफी कुछ होना बाकी है इस मुकाबले में फिलहाल हेडर को जीतने के लिए प्रयास में है लेकिन प्रेम टुडू से सुनील मांझी गोराचंद बहुत ही स्किलफुल खिलाड़ी हैं और वहां पर जिस तरह से पास बढ़ा गुमान सिंह बहुत ही साफ सुथरा खेल और ऐसा मैच देखकर निश्चित रूप से दर्शक काफी ज्यादा आनंदित होंगे अरे खुशी कोई कवा ये बीच रहे उन्होंने बॉल जीता होगा सी 50-50 बॉल रहे हैं चांस जरूर बैंकन गोलकीपर डाइव लगाओ करते हैं उन्हें बहादुर सोरेन बड़ी मौजे बनचाओ की दा सही रेंज में शॉट लगाया था यहाँ पर और दीपांकर सोरेन का ये ट्राई बहुत ही अच्छा था और जिस लेवल में बॉल जा रही थी तुषारधा अगर वो बॉल बहादुर के हाथ से अगर नहीं लगती कनेक्शन बॉल के साथ नहीं लगता तो निश्चित रूप से फर्स्ट पोस्ट के बॉटम कॉर्नर में एक बेहतरीन गोल हमें देखने को मिल सकता था
सरी कथा करा घमासान गति हाँ तो फिर से दुर्गापुर टीम रे जर्सी नंबर 3% जित टुडू बेहतर क्रॉस डेंजर एरिया रे नितो जल बे मीठे मौका जरूर बनाओ करा फुटका टीम विरुद्ध रे फिर से डेंजर एरिया रे बॉल सही क्रॉस मौका जरूर लेकिन एवीएल ने क्रॉस के दिया था बॉल को और नेट कर सकते थे ये स्कोर होने वाला मौका था लेकिन दीपांकर सोरेन ने गवा दिया मौका को अच्छा प्रयास था जरूर टेक्निकल एरिया पर बॉल और बिना टेक्निकल एरिया पे सामने की बॉल धोखा पर छोटा दुर्गापुर टीम को दबा चुका जब मौका को काउंटर अटैक जबकि घड़ी लहार की बबार था उनका मौका मौका दुर्गापुर टीम नजदीकी अवसर गोल दड़िया किया हरकिंग पिसर पुटका टीम झटका को दड़ी को किया अलग बात करा फर्स्ट हाफ रेगाती रहने बना टीम सुनिए ने बिना किरण लेकिन जरूर आपका राय जानना चाहेंगे रिंकू जी कि यहाँ पर जिस तरह से दोनों टीम ने अभी तक खेल दिखाया निश्चित रूप से दर्शक काफी आनंदित है काफी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि दोनों टीम काफी अनुशासन को बरकरार रखते हुए खेल दिखाया है और बिल्कुल तुषार जी जिस प्रकार आपने बताया कि यहाँ दोनों टीम जिस प्रकार से मैच को खेलती हुई नजर आ रही है और जहाँ लोगों का एक विश्वास था लोगों का जहाँ एक सोच थी कि यहाँ उड़ीसा पुटका की टीम आएगी यहाँ पर वो साधु मरांडी के नेतृत्व वाली टीम होगी जो साधु मरांडी टीम के कैप्टनशिप में देखने को मिलेंगी तो वाकई में अभी तक फिलहाल बहुत ही अच्छी खेल को खेलते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आपको ये भी बात मानना होगा कि तीन पहाड़ दुर्गापुर की जो टीम है तो वाकई में तीन पहाड़ दुर्गापुर की नहीं बल्कि ये सही मायने कहा जाए तो ये आसनसोल दुर्गापुर की तरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इस टीम में ओमल जैसे खिलाड़ी इस टीम में शामिल किया गया जो कि अनुभवी के साथ साथ एक बेहतर प्लेयर है और गत वर्ष भी इस मैदान पे वो खेले थे इससे पहले साल भी इस मैदान पर खेलते हुए नजर आए थे लेकिन इस टीम में यहाँ इस ग्राउंड पर दुर्गापुर के टीम से आए तो दोनों तरफ से काफी रोमांचक होना है और फिलहाल देखते हुए नजर आ रही है तो देखना होगा कि आखिरकार दोनों टीम सशक्त तरीके से खेलती हुई नजर आ रहे आखिरकार कौन सी टीम पहला गोल आएगी इस प्रकार से हमारे मुखिया जी साधु मरंडी के ऊपर 101 रुपये का 1001 रुपये का इनाम रखे हैं क्या यहाँ साधु का जादू चलेगा सुशील और ये बिल्कुल दोनों टीम से हमें उम्मीद है कि कम से कम अपना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाए और जल्द से जल्द हमें गोल का दर्शन कराए क्योंकि अगर किसी भी टीम से गोल हो जाती है तो गोल के बाद मैच में मजा आ जाएगा देखने में और क्राउड के बीच में कोलाहल भी यहाँ पर हमें सुनने को मिलेगी लेकिन अभी वक्त है तकरीबन ये फर्स्ट हाफ का लगभग 19वां मिनट के लगभग मैच रेगुलेशन टाइम में क्या करेंगे यहाँ से कौन सा टीम यहाँ पर पहला गोल लागेंगे ये देखिए रंजीत लेकिन यहाँ से अच्छा वापसी टीम के कैप्टन वहां अमल टीम के बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं लंबा अनुभव है इनका और इस ग्राउंड पर ये खेल चुके हैं इसलिए इस ग्राउंड पर खेलने का अनुभव इनके पास भरपूर है अमल बास्की का और जब इस ग्राउंड पर जब प्रथम साल आयोजन हुआ था 2021 में तो अमल बास्की के नेतृत्व में ही यहाँ पर वो टीम शायद यहाँ से विनर बन के गई है या फाइनल में जरूर पहुंची है तो अमल का बहुत बड़ा इस ग्राउंड पर रोल रहा है पहले से ही और ऐसे में वहां पर इस बार हम देखेंगे 8 नंबर गोरा चांद था का शॉट लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस बार टीम के कैप्टन अमल तेजी से आगे बढ़ते हुए और अमल और गोरा चांद के बीच में ये आपसे फैसला चल रहा है दोनों मजबूत प्लेयर लेकिन यहाँ मैन को मार्किंग बहुत ही बेहतर तरीके से किया गया और यहाँ से अभी एक गोल किक को जीत लेते खेल रिंकू सर दोनों टीम्स ने बहुत ही अच्छा खेला है दर्शकों के दिलों को जीत लिया है अपने खेल से लेकिन हम वो फिनिशिंग का इंतजार में है कि कब तक एक बेहतर फिनिशिंग के साथ यहाँ पहला गोल कंसिड कर पाएंगे दोनों टीम्स इसी बीच वहां साधु मरंडी थोड़ा सा पीछे रह गए
और बिल्कुल सुशील यहाँ साधु का जादू दिखने वाला था, लेकिन थोड़ा सा वहाँ डिफेंडिंग जोन का खिलाड़ी बहुत ही मजबूती प्रदान किए हैं अपने टीम को। मैं शुरुआती छेद में कहा कि यार ये दुर्गापुर नाम है, लेकिन इसका काम कहीं ना कहीं आसनसोल दुर्गापुर के खिलाड़ी के मुकाबले में करते हुए नजर आ रहे हैं। और वाकई में सुशील आज दिन का जितना भी खेल हुआ लाजवाब खेल हुआ, अच्छे अच्छे टीमों का सिलेक्शन किया गया है। इससे पहले जो खेल हमने देखा यहाँ पर मालदा और गोकुलपुर के बीच में, इसमें एक्स्ट्रा टाइम पर यहाँ गोल रिटेन करके वो टीम आखिरकार पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से जीत हासिल की है, और उनका मुकाबला सीधे कहा जाए तो बीएसके कॉलेज एक दमदार टीम के साथ होगी। हाँ जी बिल्कुल, आज दिन का जो सेकेंड मैच खेला गया, इस मैच में बहुत ही बेहतर दोनों टीम्स ने खेला। एक पलटवार उस मैच में देखने को मिला कि इंजरी टाइम में मैच को वापसी करके मैच को जीतना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर वहां पर परफॉर्मेंस देखा गया। और मालदा की टीम ने आज कहीं ना कहीं पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से मैच को जीत लिया है, और इस प्रकार का जो रिकॉर्ड था हमें इस साल 2023 में ही कहीं ना कहीं हाथीगढ़ के ग्राउंड पर हमें देखने को मिला था दो दो मैच में। इसी बीच में प्लेयर्स में बदलाव की तैयारी, पोटका टीम से जर्सी नंबर 14 आउट, पोटका टीम किंग फिशर पोटका जर्सी नंबर 14 आउट, उसके जगह पर रिप्लेस होंगे और सनी के जगह पर, सनी मंझी के जगह पर आएंगे कुंजन टुडू, ये रिप्लेस होके एक फ्रेश प्लेयर्स को उतारा गया है। तो टीम के मैनेजर का बहुत ही अच्छा सोच रहा है, क्योंकि अभी भी वर्क काफी है फर्स्ट हाफ में। और इसी बीच हम देखेंगे जिस प्लेयर्स को उतारा गया है, कुंजन टुडू, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसारदा से सूचना मिली है कि ये भी संजोम बेड़ा जैसे बड़े टूर्नामेंट में इनका जो जलवा है देखने को मिल चुका है। हैट्रिक गोल लगाने वाले वो खिलाड़ी है, कुछ मैच में जो है उन्होंने हैट्रिक गोल लगा था, और सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले प्लेयर्स के लिस्ट में उनका नाम था सरजम बेड़ा दुमका जैसे ग्राउंड पर। तो आज कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट बेंच से ऐसे प्लेयर्स को जब उतारा गया है तो निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कुंजन टुडू कुछ बेहतर करेंगे इस बचे हुए समय पर। और बिल्कुल सुशील, जिस प्रकार से उस खिलाड़ी को टीम के मैनेजर, टीम के प्रबंधक ने जिस प्रकार से मैदान पर उतारा, कहीं ना कहीं उनका एक सोच होगा, कहीं ना कहीं उनका एक अलग टेक्निक होगा जिसे अपनाने के लिए उस खिलाड़ी को मैदान पर उतारा है। और इससे पहले जो हमारे बीच में जो खेल हुआ वो मालदा टीम से, वो भी कुछ इसी तरह मिलता जुलता नाम था, जिन्होंने रिटेन गोल दाग कर और प्लेटी सुधार यहाँ से शॉट लिया गया था यहाँ पर, लेकिन देखिए शॉट थोड़ा सा बाहरी हो गई, अन्यथा जिस प्रकार से यहाँ शॉट ट्राई किया जा रहा है दुर्गापुर की ओर से लाजवाब, और यहाँ से चेंजिंग होता हुआ एक खिलाड़ी का, और ये होंगे आपका तीन पहाड़ दुर्गापुर की ओर से, आठ नंबर वाली जर्सी जो पहने वो खिलाड़ी बाहर की ओर जाएंगे और उसके जगह पर एक फ्रेश खिलाड़ी मैदान पर उतारा जाएगा। तो देखना होगा दोनों ओर से खिलाड़ी का चेंजिंग किया गया है, और 12 नंबर के वो खिलाड़ी होंगे सजल। यहाँ टीम के जो टीम प्रबंधक होगा कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चलता होगा कि बेस्ट से बेस्ट खिलाड़ी को उतार कर मैच पर एक दबाव बनाया जाए। और ये बिल्कुल अभी तक जिस प्रकार से फर्स्ट हाफ का लग रहा है, तकरीबन अंतिम चरण की ओर मैच अग्रसर हो रही है फर्स्ट हाफ का, और इसी समय पर दोनों टीम से एक एक जो परिवर्तन आया है सब्स्टिट्यूट बेंच से, ये परिवर्तन कितना कारगर सिद्ध होगा इनके लिए, क्या बचे हुए फर्स्ट हाफ के मैच में यहां से गोल आएगा। इसी बीच 16 नंबर जो अभी तक जो कुंजन टुडू आए हुए हैं रिप्लेस होकर, लेकिन ऐसे समय पर एक यहाँ पर फॉल, थोड़ा सा हैंड वहां पर चलाने का प्रयास, कॉर्नर चलाने का, और इसी समय पर एक फ्री किक को जीत लेंगे दुर्गापुर की टीम। तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता फर्स्ट हाफ का भी काफी ज्यादा निकल चुका है, कुछ ही मिनट अभी शेष रह गया है रेगुलेशन टाइम में। और सुशील तीनों मौज बना टीम रन खिलाड़ी को आपका जर्सी सोस पैंट तीनों मौज बना टीम की जरा दिखना मैच रौनक जस्ती बना पड़ा चेदा जे मी अगर पूरा ड्रेस चितान लतार तहन खाए उनारे अलग मजार किंग फिशर फुट का टीम ना सब थे उनको जर्सी उनको सो से लेकर हर चीज बड़ी मौज इता कुआ और खेल अगर मैच रे अगर मेल खाए अड़ी जस्ती नुको छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ टीम हो मैच को प्रभावित कर इनम दबाव वाला मैच रे हो इनम मज उनको सामना में खान Yeah.
भी वहां आर होना कारनामा उदो कहते हैं साधु मंडी टीम रैंक कैप्टन आया टीम 1-0 रिया बरसाते दिलावा को खिलोड़ रिया लगभग 26 मिनट आसपास रे गोल किदा वहां पहिल हाफ रे आर कमाल कहते हैं साधु मंडी उत्तर तिंगू बड़ा कम था जेल का बड़ा गया बोन अक्सर का फिनिशर से स्ट्राइकर को तहे था और उन्हें अगर रूल अपना तो गोल कीपर है बीट की दिया और अडी सही जगह रहे मीटे सही खिलाड़िया पहचाने उदू किदा जे स्कोरर खिलाड़िया गवा क्षमता भी जड़ करा निम्न मोच प्लेसमेंट और सही नियंत्रण के साथ अगर यहीं पर कोई नए खिलाड़ी होते हैं तो मुझे लगता है इस हीरो एंगल से गोल नहीं कर पाते मुझे लगता है सुशील लेकिन जिस तरह से साधु इसीलिए वो जाने जाते हैं और इसीलिए ये खिलाड़ी हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमेशा कहा जाता है कि जब मैटर बड़े होते हैं तो वहां साधु मंडी खड़े होते हैं और ये बिल्कुल साधु ने वो चीज वो कारनामा करके दिखाया जो दर्शकों को उम्मीद थी और सच में कुछ समय तो ऐसे लग रहा था जिस प्रकार से गेंद को लेकर के जा रहे थे लगभग 0 डिग्री के एंगल में लगभग लेके जा रहे थे जहां से गोल की उम्मीद बहुत ही कम किया जा सकता है लेकिन बॉल में उस प्रकार का डायरेक्शन उन्होंने क्रिएट किया कि यहां से सेकेंड पोस्ट में आखिर करके गेंद समा गई और फर्स्ट हाफ के लगभग लगभग आखिरी समय पर ओपोनेंट टीम के ऊपर इस गोल से दबाव बनता हुआ सरी ना सरी कर गया डिफेंडर आधा जहां का उन जस्ती गलती तो भाई नहीं जहां तक जो का नजर नहीं गया थोड़ा गन गोलकीपर आया जगह बगी था और सिचुएशन हो पाए करा गोलकीपर आखिर मरता क्या नहीं करता वही चीज गोलकीपर ठे जल रहा और बखाज अपूर्व रॉय अड़ी बेहतर गोलकीपर करा मेनखान उड़ाए जैसे आया जगह रख दा और साधु मंडी अड़ी कौन की अगर मिल खाए सेंट्रल स्ट्राइकर रहे मौका दे जाम का मेनखान अमूमन भी मिल करा रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी जब सेंट्रल स्ट्राइकर अगर कोई जाम था तो उन्हें मौका बात गवा अड़ी मौज जो है खिलोड़ चला तो एक गोल आया बढ़त रहे किंग फिशर एफसी ओटका टीम मेनखान नवा टीम रहे छोटा दुर्गापुर टीम तीन पहाड़ टीम हो नवा फर्स्ट हाफ रिया खाल खिलोड़ रहे होता खिलोड़ कूदू करा निश्चित रूप से बने जीवी कुछ इतकर वाला गाती कूदू करा नुकू हो मौका को जाम का गया छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ टीम हो बस सरते की स्कोर बांग भी करा हालांकि नीचे मौका जरूर हुई दड़े हाँ कंधे पर दबा करके जिस तरह से वहां पर उछलने का प्रयास किया था और मैच रेफरी मानस राय का वहां पर सही डायरेक्शन सही वहां पर रेफरी का डिसीजन रहा और इस वजह से यहां पर एक मौका जरूर बनेगा इस मैच में एक एक का बराबरी पर आने के लिए अंतिम समय रहे लगभग रेगुलेशन टाइम के अंतिम समय इसके इस मैच में भी कितना समय जोड़ा जाएगा ये देखना होगा लेकिन देखना है ये सेट पीस कितना शानदार होगा बहुत सही जगह पर ये खिलाड़ी गलती कर गए तपन हेम्ब्रम अड़ी मौज जगह रहे तपन हेम्ब्रम नवा ग्राउंड रहे गति चुका होगा मौज खिलाड़ी के नाम है तपन उन्हें फर्स्ट टाइम रखे उन्हें बॉल शॉट या प्रयास किया आनुडे 13 नंबर जर्सी हरों का विजय हमरम हालांकि विजय विरुद्ध गलत खेल रिया उन्हें निर्णय हुई ना तीन पहाड़ विरुद्ध है उन्हें देखी क्रिया मौका कोई जानता दर्शक फुल एंजॉय में है पूरी तरह से इस मैच का लुत्फ उठाते हुए पूरे स्टेडियम में खचाखच भरे हुए और ये रिकॉर्ड बनता हुआ कि पहले दिन में इतना दर्शक और जिस उम्मीद के साथ लोग यहाँ आए हुए हैं इस मैच का भरपूर और 3 मिनट का यहाँ पर समय जोड़ दिया गया है 3 मिनट इस मैच में एडेड टाइम जोड़ दिया गया है और देखना है इस अंतिम समय में इस मुकाबले का क्या रिजल्ट अंतिम समय तक रहेगा संख्या नहीं ना पाएगा तीन दिन छोटा दुर्गापुर टीम है जरूर एक गोल से तो आप समय में मैच को इक्वल भी कर सकते हैं लेकिन अपने खिलाड़ी के हुनर पर आपको भरोसा जताना होगा तीनों मैच जाती बना टीम की यंदा नोटे सुनील शर्मा कुंजन टुडू लगी फर्स्ट टाइम प्राइवेट बॉल निश्चित पते लहा से बढ़ावा से सहयोग खिलाड़ी लगी पास है उड़ूगा मेनखा जल बैनी थो बड़ी टेक्निक सला पर्याप्त या खिलाड़ी बीच रहे ऐसे ना उन्हें पास या ऑप्शन की बाइन जल्दी दार हर बड़ी रहे और रनिया यह पे अंडे मेन मार्किंग अड़ी बेहतर मैं दिखो आयु निको रहा हूँ करता और अड़ी बहुत जिन जल्दा उन्हें बंगाल टीम रिया बीच एक खासियत जल्दा डिफेंडर
बैकअप रे को हजू कना जहां खिलाड़ी अगर बॉलर रे चेन खाय नी बैकअप रे जो आउना से लहरन खिलाड़ी के बीच ऑप्शन बना पड़ा मेनखा सुनील सरदार मेनखा नोडे स्लाइड होते हुए फिर से आखिर यहां पर गोरा चंद मंडी वो पीछे रहने वाले नहीं है और वो भी शॉट को ट्राई किया था टारगेट पे हालांकि थोड़ा सा बाहर निकल गई मेनखा गोरा चंद नया प्रयास अड़ी कमाल तहे करते हैं टीम रैंक कैप्टन अमल बास की जरूर बॉल अगर सही रडार रे नई खिलाड़ी है यहां पर खाए अनुभव बिना थे आई मार्ट ग्राउंड रे नया कैप्टन सी रे जीतो चु गाखवा ये बीच रे नोडे छोटा दुर्गापुर टीम दबा बना रिया जरूर कुकुर मुटु इधर को हो मेंखर कुंजन टुडू सॉरी नोडे विजय अलग मजा पहले मैच रे जो आपके विरोध में अगर विरोधी टीम अगर मजबूत हो तो उस मैच का अलग लेकिन जब तक सरदार जी सही दिशा में बॉल को भेज पाते तब तक बॉल जाएगी सीधे यहां से टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा फिर से यहां पर एफसी तीन पहाड़ दुर्गापुर की टीम के पास। तो चलिए नेक्स्ट मैच बारंबार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एफसी भोगनाड़ी वर्सेस एफसी धरती बगान दोनों ही टीम के टीम प्रबंधक आप अपने खिलाड़ी को जितना जल्द हो सके डगआउट की ओर लाने का प्रयास करेंगे। तो तुषार जी इस बार जो दोनों नए खिलाड़ी को सिलेक्शन किया गया है सेकेंड हाफ के मैच के लिए मैदान पर उतारा गया है दोनों ही टीम की ओर से तो देखना होगा कि उनका योगदान कितना क्योंकि खास करके यहाँ सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो मेहनत करने की जरूरत है यहाँ पर आपका दुर्गापुर के टीम को। जी हाँ रिंकू जी एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है फ्री किक लेने के लिए और बहुत ही सुंदर रंजीत ने थोड़ा सा बैक पास किया वहां गोराचंद सही रेंज में एक बार तक पकड़ने के बाद गोल पोस्ट में बॉल जा रही थी लेकिन एक मौके पर बॉल ने अपना दिशा बदला और ये पहला अटेम्प्ट हालांकि गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ बड़ी मौज नोडे प्रयास सरी गई रिंकू जी और बना टीम से खो गया इसे तो बांग करना जहां का टीम बड़ी जस्ती की तुमसे सो तुम्हारा नहीं कैमरा है जहां मैं जहां का टीम बड़ी जस्ती पे अपडेट रहा उनका ना बांग कथा बांग करना नीत ने दिए घनश्याम मुर्मू ने को फेंक का दिया वहां सेकंड हाफ रे ची योगदान है एमा बड़ी अनुभवी डिफेंडर करना और पूरा मिडफील्ड रे हो कमान नोया जिम्मेवारी रहता है तब और दुआ मैच रिया बनाल की पूरे जिम्मेदारी से लगाती तो नहीं सेकंड हाफ रिया गाती रे छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ जल का है मैन के अब मैन के लिखा कि नुडे आर हो जी जान लगा हुई तक हुआ ये बीच में सुनील सरदार तीन मौज बॉल सही पोजीशन रहे कुत्ता साधु ही पाया मैंने था मैन का उनको लहरे विपक्षी खिलाड़ी उका दो 12 नंबर रहे गति का नुई हडी बजे गति के सजल सोरेन हालांकि नोडे रंजीत बड़ी स्पीड स्टार रोय रंजीत यह धाव छह स्कोर दारे के नाम से बांग हालांकि निरो एंगल खोए शॉट लगी जरूर गोराचंद खोए नोडे सरदार जी फिर से गोराचंद लगी मौका बना अपना शॉट लगी जगह ही कोई बढ़ाया था मैं खाने ने मौज कुंजन कुंजन फिर से यल में गोराचंद होते परम का कुआं सही एज रहे आर टूडल साधु का गोल हुआ बचाओ कदा सही जगह रहे अनोन वाले के पसे को दहो का दिया नहीं बॉल कौन भी बड़ा करा मैं खान शॉट लगाओ दा इन्हें खतरनाक रहे इधर निया दाम थोड़ा गन बचाओ ना घर छोटा दुर्गापुर टीम डिफेंस में खिलाड़ी थोड़ा गन एक बार
का मिस्टेकन चलते थे थोड़ा अभी महंगा पड़ा क्या सुशील खासकर साधु मंडी साधु मंडी बोल को लेकिन प्लेयर्स को रणनीति खासकर टोटल प्लेयर्स को खड़ा कर राफर को दबाई दी और इन मौज बीच रे बोल को उपाय और मौके बोल ना कमाल कर साधु से को दूसरा मौका था साधु मंडी से इन मौज का पोजिशन रहा पोस्ट नाइ सूट लेगी नसीना बोल पोस्ट को टूसना बाखा सेकेंड गोल हेको तो निश्चित रूप से लगे कि साधु मंडी को दोहे स्ट्राइकर जोड़ रहे नवा अपडेट नवा मैच रे पी टू डू बॉयज यूट्यूब चैनल से खोई हो मीट स्पॉन्सर राशि है एक दुर्गापुर तीन पहाड़ लगी जहां प्लेयर्स की रिटर्निंग गोल लिखा है 1000 टका सम्मानित पी टू डू बॉयज का यूट्यूब चैनल का आसोई नई हो कहीं ना कहीं कवरेज साल संगे थे प्लेयर्स को लगे अभी मौज में स्पॉन्सर दो नई बुन सपोर्ट नया चैनल का आसो कहीं बुन सब्सक्राइब दो ताकि नुनका संथाल प्रकार अंतर्गत जहां की लट्टू टूर्नामेंट हुई से नुनका मैच अपडेट को चैनल माध्यम से अपने जान दिए। जी हाँ दोनों टीम को सपोर्ट करना बहुत जरूरी और दर्शक भी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं जरूरी भी है। बड़ी मौज बना टीम की पूरे तालमेल के साथ के गति करा और नीत दबी आगाती रहे छोटा दुर्गापुर टीम पहाड़ टीम हो वन सेकंड हाफ में थोड़ा घर दबा मिला गया कुछ दर रहे फर्स्ट हाफ रहे बनखान हुई अट्टी मौज बनखान जो तय परम दी का पानी है धावियल में अट्टी अटे खटा पड़ा रहे खिलाड़ी सुनील सरदार हाँ नोड़े रंजीत रंजीत हाँ शॉट जरूर है ट्राई किया मनखान अपूर्व रॉय जैसे गोल कीपर विरुद्ध रहे निन्ने संगी खोए शॉट नोड़े ज्यादा घातक बांग भी दड़ा गोल कीपर अड़ी मौज गोल कीपर करे अपूर्व रॉय हानित हो जल में मौका बना दड़िया खिलाड़ी तो तीन पहाड़ टीम मैच रे बराबरी रह गई मनखान बना टीम भी अड़ी मौज की गति किना सेकंड हाफ रिया गति निया बात करते उका गति बुनिया था तीन दिन रिया उका दो चौथा मैच फर्स्ट राउंड रिया एफसी एसकेएम रेड स्टोन भुगनाडी पर हिट आर निया बीच रे नवा मौका तो है कना नोडे मैच एक एक रे बराबरी रह गई लगी बैन खान पर बॉल किसको जित बने ने खिलाड़ी अड़ी मौज मौका उन्हें गवा के दा जरूर नोडे चांस बना लेंगे यार और नवाल का थे थोड़ा गान और हो परिमोल ओका दो सेकंड हाफ को आदर का देने खिलाड़ी नहीं थे उम्मीद जरूर मैंने आमन खान उन्हें बॉल पाने की जीत होगा 50-50 बॉल रहे उन्हें जरूर किन कुरु बटुई था जे बॉल अटैकर टीम जरूर है प्रयास ना रंजित हालांकि बंगाल टीम परिमोल परिमोल तीन सही गैप रहे ने 12 नंबर जर्सी हरो का खिलाड़ी नहीं हो टीम और बॉल हेडिंग था सजल सोरेन बनारगी का सेकंड हाफ को आदर का 11 नंबर और 12 नंबर और प्रेस ले खिलाड़ी उनका अपना अनुभव प्रगी विकेट प्रदर्शन लेकिन इस मैच में दोनों टीम ने अच्छे खेल से दर्शकों का दिल को जीता है पूरी तरह से इस मैच का समा बांधा है रिंकू जी। हेलो बिल्कुल यहाँ तो शांति जिस प्रकार से दोनों टीम खेली है कहीं ना कहीं कहा जाए तो बस एक गोल का डिफरेंस है नहीं तो खेल दोनों ही तरफ से बहुत ही लाजवाब यहाँ सरदार जी आ जाएंगे इस बार हमारे असिस्टेंट रेफरी के नजरों में कैद हो गए हैं ये क्योंकि ऑलरेडी ये ऑफसाइड के गिरफ्त में थे नहीं तो जिस प्रकार का इसका रनिंग शैली है जिस प्रकार से गोल को बनाते हैं जिस प्रकार से गोल का सप्लाई करते हैं बहुत ही लाजवाब है सरदार जी का और यूं ही कहता है कि सरदार जी का एक कहावत है ना चक दे फटे ये हर हमेशा फाड़ने के चक्कर में रहते हैं तो फिलहाल यहाँ मैच पर थोड़ा सा दबदबा बनाने की मनसूबे से मैच को खेलने का प्रयास यहाँ पर पुटका की टीम यहाँ पर दुर्गापुर के ऊपर में सरी कहता है नानी तो साधु थोड़ा इसके लुदुक तो लिख नहीं था अरे फाइन बोले दी क्या बना टीम भी अड़ी कॉन्टेस्ट बना मैच चुनौतीपूर्ण मुकाबला इस मैच को जीतने के लिए लेकिन तीन पहाड़ की टीम इस मुकाबले में वापसी करने के लिए पूरा जी जान लगा दिया है तीन सही जगह है बॉल सही जगह है टक्का और यह प्रयास लगा डीपी
और 11 नंबर जैसी का उम्मीद सड़क का बदल दिया छोटा दुर्गापुर टीम रन परिमोल किस्कू और उनिया माध्यम से उनिया गोल माध्यम से मैच एक एक रिया बराबरी आठवाल करते किंग फिशर फोर्ट का एक छोटा दुर्गापुर तीन पहाड़ी तो एक एक का बराबरी हो चुका है रिंकू जी। लेकिन इस मैच का अब पूरी तरह से हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण समय अब यहां से शुरू होता है। दोनों टीम एक एक गोल दागने के बाद जरूर इस मैच में और बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल तुषार जी यहाँ पर मैच का रोमांचक और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों टीम का जो अब लक्ष्य होगा एक ही होगा कि हर हाल में मैच हमें जीतना है। और यहाँ से देखना होगा कि मैं शुरुआती क्षण में कहा था कि जिस प्रकार से यहाँ परिमल जी को मैदान पर उतारा जा रहा है कहीं ना कहीं टीम के प्रबंधक टीम के मैनेजर का कुछ अलग ही विचार चल रहा था उसके मन में। और क्या मैं कह रहा था कि क्या परिमल इस एक गोल की दबाव को ज्यादा देर तक झेल पाएंगे। वाकई में वो मैदान पर घुसते ही कम से कम आठवें मिनट के गति पर वो मैच पर कहीं ना कहीं रोमांचक लाकर खड़ा कर दिया, मैच पर बदलाव लाया और एक गोल दागकर फिलहाल मैच को बराबरी के स्कोर पर लाकर खड़ा किया है। तुषार जी सरी गता गता फिर से नडर रंजीत जब भी बोले पड़ा पड़कर सही गैप रेंजल में जैसे परम का हुआ आखिरकार लास्ट मैन को वहां पर ड्रिबल नहीं कर पाए रंजीत हो गोल दगाड़िया क्षमता धोएगा। अब यहां से समा जलना चाहिए परवान चढ़ना चाहिए इस मैच में और इस टॉप क्लास के इस मैच में एक एक की बराबरी पर दोनों टीम ने दिखा दिया है कि हम किसी भी सूरत में आपसे कम नहीं है। बना टीम की बड़ी चैलेंजिंग मैच थोड़ा गन डिफेंडर प्रयास अड़ी मौज मैन खा नहीं था जल बैनोडे 12 नंबर सजल नेतुमनी खिलाड़ी बना टीम की जल्दा डिफेंस लाइन रैंक खिलाड़ी अड़ी बिजी को है के नर्मा मैच रहे यह बीच रहे नुई 15 नंबर जैसी हो का खिलाड़ी नुई हॉटी पॉइंट ग्राउंड ने कवर दा दीपांकर सोरेन बीते मौका अमल लगी यह था कोट का विरुद्ध रहे चांस जरूर बनाऊंगा हालांकि मनोज किसको जेतु बने डिफेंडर उन्हीं से टकराव करते बॉल बाहर आई करा और तुषार जी फिलहाल दो दो इनामी राशि आए हुए थे हमारे पास यहाँ पर एक मुखिया जी की ओर से 1,001 रुपया का पहला गोल जो साधु मरांडी की ओर से लेकिन उसके जवाब में यहाँ पर बी टू डू वॉइस के चैनल के मालिक उन्होंने कहा कि अगर रिटर्न गोल करता है सर तो हम लोग भी 1,000 देंगे तो दोनों इनामी राशि दोनों के हक में चले गए। सरी कथा कदा नीत नीत ग्यार हो किंग फिशर फोटका टीम लगे सेकंड गोल लगी आर हो ऑफर है ना नोडे उकादा नवा ग्राउंड रहे उकादा बुन येले कान साउंड सिस्टम और सजाव सपड़ाओ को हते ते हुई का नोडे डेकोरेटर्स साउंड्स ऑपरेटर डेविड डीजे साउंड्स उन्हीं से खोज 1,000 टका अगर नवा मैच रहे सेकंड गोल हुई कान खाए जहां खिलाड़ी होते थे किंग फिशर पोर्ट का टीम से खोए तो सपोर्टर बनार से खोए की बिना हुआ और जब खिलाड़ी मैदान में पसीना बहाते हैं और दर्शक जब बाहर से हौसला बढ़ाते हैं तो उस मैच का रोमांच अलग होता है। रिकू जी बिल्कुल तुषार जी लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सन्नाटा सा छा गया है सभी को मैच पर फोकस हो गए कि आखिर होगा क्या क्या यहाँ पोर्टका की टीम जीतेगी क्या यहाँ दुर्गापुर की टीम जीतेगी क्योंकि मैच बराबरी के स्थिति पर खेलते हुए खूबसूरत चीज नियम बीच रहे जनबर रंजित ग्राउंड कबर का अरबी टेक खिलाड़ी तीन मुझे ठोकी दिया मैं खान उन्हें पास रहे थोड़ा गन गलती अड़ी मौज नींद धबी अनियल का तीन पहाड़ टीम हो टीम मौज नवा मेज आपको से खोए मुतोड़ जवाब को एम का मैं खा रंजीता घनश्याम लगी घनश्याम साधु आप पूरे जिम्मेदारी के साथ साधु शॉट लगी मौका जरूर है सिद्धार्थ साधु बंडी ये जो जिस तरह से वहां पर ड्रिबल किया इस खिलाड़ी का स्किल इस खिलाड़ी का क्लास दिखाता है कि आखिर साधु मंडी इन लोगों के इतने लोकप्रिय क्यों है। इस तरह से वहां 4-5 खिलाड़ी को वहां कटिंग किया और सही पास भी दिया
था वहाँ रिंकू जी, लेकिन फर्स्ट टाइम में वहाँ शॉट निकालना चाहिए था। और बिल्कुल तुषारती, एक खिलाड़ी को बीट करना, दूसरे खिलाड़ी को बीट करना, तीसरे खिलाड़ी को बीट करना या चौथे खिलाड़ी को बीट करके गोल को आगे की ओर खेलना चाह रहा था। और आज जो क्राउड है इस बात को सही साबित करते हुए आया कि साधु में वाकई जादू करने का दम है। सही में, और दर्शकों में एक नई ऊर्जा आ गई। और जब आप किसी से उम्मीद करते हैं और वो अच्छा करने लगे तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और बतौर दोनों टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार यहाँ पर लोगों का भरोसा था, लोगों का उम्मीद था, फिलहाल साधु मरण खरा उतरते थे और किसी को अभी तक नाराज नहीं किए हैं। लेकिन फिलहाल मैच है एक एक स्कोर के बराबरी पर। अड़ी मौज जाती नियम मैच रहे अगर हम खा ऑफ साइड रहा सर और मैच का रोमांच बढ़ चुका है। मैत्रिया का असली रोस्ते करा नवा मैच रहे जनो करा बना टीम की जब एक एक गोल थे नवा मैच रखे दीपांकर सोरेन नोडे जल में नोडे क्रॉस एंगल खोए बॉल जल में कॉर्नर क्षेत्र रहे जरूर बॉल टपका और यहाँ प्रयास था बना टीम रहे खिलाड़ी की जल्दा बॉल नहीं बॉल को हिटिंग था खिलोड़ बीच रहे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा दो आम बात करें मैन खान बना टीम जड़ी बॉल मैन खानी तो रंजीत चाहने वाले भी। और फिर देखिए पांच नंबर राजू सोरेन अच्छा क्रॉस पार्थिव की दिशा में कुंजन और ये काफी हेवी शॉट लगा बैठे कुंजन जरूर उन्हें बॉल रुका और प्रयास नहीं करते बड़ी शानदार मैच ने दबी मैन खान नवा मैच रहे सेकंड हाफ या लगभग आधा समय सेकंड हाफ या हो लगभग लगभग चबा चुका होकर मैन खान नवा मैच रहे स्थिति एक एक अड़ी पना टीम भी अड़ी उड़ा सुरा के प्रदर्शन का। और तुषार जी यहाँ कहीं ना कहीं इस मैदान पर ये रंजीत भी काफी लोगों को प्रभावित किए हैं अपने कई से अपने कला से क्योंकि कहीं ना कहीं इस ग्राउंड से जिस लेवल से ये खेल रहे हैं इसी लेवल से यहाँ पर हमारे लोकल बॉयज समीर देसरा भी खेले थे और इसी ग्राउंड से वो प्रसिद्ध हुए थे लोगों को काफी प्रभावित किए थे। जी हाँ ये चुनिंदा टूर्नामेंट में से माने जाते हैं और जब इस संथाल परगना के गिने चुने जो भी टूर्नामेंट जितने बहुत सारे टूर्नामेंट है अगर हम उस क्लब का उस टूर्नामेंट का अगर नाम गिनाने लगे तो बहुत हो जाएगा यहाँ से। तो इस क्षेत्र से जो भी खिलाड़ी अगर बेहतर प्रदर्शन करते हैं वो लोगों के नजर में हीरो बन जाते हैं। इसी बीच साधु के विरोध में वहां पर वहां जिस तरह से उनको क्लोज डाउन कर रहे थे रेफरी का इशारा हुआ है वहां पर फाउल के लिए मैन खान जो तो जनरल बिहार दिल रहे संतुष्ट वहां मैच रहे बनार की जब बिना टीम की बिना उठा पटक गाती हुई क्या ना और खिलोड़ रहे उसका उलट फेर हुई ना उनका मैच रहा उसका नतीजा अंतिम समय अभी जी नतीजा हुई दड़ा गोराचंद गोराचंद मंडी सही जगह रहे घनश्याम मुर्मू अनुभवी खिलाड़ी जरूर वो अपने आप में वो थोड़ा सा निराश होते हुए कि उनके माथे पर था वो लेकिन दिशा नहीं दे पाए लेकिन बड़ी सुंदर मैखान फ्री की मैखान मना हुई वहां घोरा चंद का प्रसिद्ध होकर बॉल सप्लायर रिया का पोजिशन खोई अटी मच बॉल अपना होता लेकिन तुषार जी यहाँ दाद देनी होगी अपूर्व राय को क्योंकि इन्होंने बेहतरीन कीपिंग का नजारा यहाँ देखिए मिल सकता था यहाँ पर इन्होंने को लेकिन वहाँ बैलेंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और खुद स्लाइड होते हुए बॉल को जाने दिया सीधे गोल लाइन के बाहर। यहाँ अपूर्व जी को भी मैं बहुत ही दाद देना चाहूंगा बेहतर कीपिंग का नजारा दिखाया है। सरी कथा कथा अब यही मौका होता है दोनों टीम के लिए कुछ कर गुजरने का
क्योंकि ये मुकाबला आपके इस फुटबॉल करियर का एक बहुत बेहतरीन बहुत बड़ा मुकाबला हम कह सकते हैं। हाँ नोड़े राजू सोरेन बॉल अड़ी सही जगह है मैं खा राजू नोड़े साधु मंडी तीनों वही स्किल पर्याप्त खिलाड़ी तीनों में ठोकते हैं बेहतर स्किल उधर तो लोग अब भाई भाई तेरे नोड़े साधु भाई स्किल उसका जलवा भी अब देखने लगा है मैं खा बना टीम की अड़ी कॉन्टेस्ट भरा मैच किसी से कम नहीं है ये चैलेंज दोनों टीम ने अभी तक दिखाया है और मजबूरन वहां पर मनोज किस्कू हेडर के जरिए गोलकीपर के लिए बैक पास करना पड़ा और ये गुमान सिंह भी फुल बैक से अच्छा खेल दिखा रहे हैं। ये नाटक के मोड़ जरूर रेफरी ने वहां पर प्ले ऑन कर दिया है प्ले ऑन वहां पर एडवांटेज प्ले करवाया क्योंकि उन्हीं के खिलाड़ी को मौका बॉल मिल रहा था। अब इस मैच में और जान डालना होगा दर्शकों से अनुरोध है आप भी इस मैच में दोनों टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं जब तक आप बाहर से चेयर अप नहीं करेंगे हौसला बढ़ाएंगे नहीं खेल में मोमेंटम मैच का स्पीड नहीं पकड़ेगा इसलिए आप भी खिलाड़ियों का सपोर्ट करें आप बाहर कोई हो खिलाड़ी को सपोर्ट को पे चिदाजय नवा मैथ्रिया अंतिम रिजल्ट ची हुआ चिदाजय नवा मैथ्रिया लगभग 20 मिनट या आपका समय गुजरे उतना सेकंड हाफ रहो और नवा सेकंड हाफ या लगभग आरहो का 10 मिनट का रेगुलेशन टाइम रहे का समय सारे करना उन्हारे बना टीम से कोई भी आरहो कुछ खला कोसल आरहो नहीं दिया दरकार बिना आज नवा मैथ्रे किंग फिशर एफसी फुटका और छोटा दुर्गापुर तीन पहाटी और कोई टार निर्णायक गोल की लगवा वहाँ पिच कहना मुश्किल है मैन खान दर्शकों का सपोर्ट बहुत जरूरी है आप खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहिए अपने अपने स्तर से ताकि खिलाड़ी और नए दुगुना उत्साह के साथ खेले और बिल्कुल तुषार जी यहाँ पर दर्शकों के माध्यम से ही खेल में वो ऊर्जा मिलती है दर्शक अगर बाहर से इतना सपोर्ट करते देखिए इस बार फिर से लेकिन नहीं ऐसा करने से उन्हें रोका गया है वहां पर पोटका की ओर से दिवांतो सोरेन की ओर से मजबूत स्थिति में दोनों टीम खेलती हुई नजर आ रही है और देखिए यहां सर सरदार जी द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से यहां से फिर से एक बार रंजीत के पास और रंजीत ने थोड़ा सा यहां पर अनबैलेंस हुई थी लेकिन फिर से उस पर अच्छा रिकवरी करते हुए ये खिलाड़ी का पास तो गजब का स्किल है तुषार जी ये इसके अंदर लगता है कुछ ना कुछ रोबोट की तरह यहां से देखिए यो सरदार जी चक्रे फटे आपने लाजवाब प्रदर्शन किया है बना टीम रिया लगभग का रणनीति ये तो बदल चुका होगा और यही मौका होता है जब आप अटैकिंग माइंडसेट के साथ अगर इस दूसरे हाफ में अगर नहीं खेलेंगे तो यहां से ये मुकाबला अगर बराबरी पे खत्म होता है तो दोनों टीम के लिए टाई ब्रेकर पेनाल्टी शूट आउट बहुत ही जोखिम भरा होगा और कौन टीम जीतेगी कौन टीम हारेगी इस चीज का कोई गारंटी नहीं क्योंकि दोनों टीम के लिए अब यही एक खुला मंच है खुला दरवाजा है कि यहां से इस मैच को जीत सकते हैं बड़ी बहुत मौका बना खड़ा गोलकीपर हॉडी बॉज की बनार से रन बहादुर सोरेन पुटकार रन गोलकीपर या पूर्व रॉय दुर्गापुर तीन पहाड़ रन गोलकीपर वहां सेकंड हाफ रहा बना टीम भी जलदा नहीं तो थोड़ा का अकेला अलग दिमाग की जलद के ना के लगाओ का वहां बेच रहे मैन खान जी अकेला पास की गोल का डायरेक्ट यहां पर पेनाल्टी का यहां पर इशारा दे दिया है और छोटा दुर्गापुर टीम बाहर की टीम को खेल के बीच में ये पेनाल्टी लेने के लिए मौका मिल गया है लड़े पेनाल्टी खेल बीच रहे आठवां मैच रहे
मैच दबाव स्थिति रे मैच तीन पहाटी दो एक लहाल मौका को जाम के और यहाँ पर तुषार जी कहा जाए तो इस कीपर के लिए अग्नि परीक्षा का घड़ी है। अगर यहाँ वो इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैच बराबरी पर रहेगा। अगर यहाँ इस परीक्षा में वो फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दो एक का बढ़त यहाँ पर हासिल कर लेंगे दुर्गापुर की टीम। तो जिस प्रकार से वहाँ बाधित करने का प्रयास था उनका वहाँ खामियाजा भुगतने का समय है। लेकिन देखना होगा कि शोर जो लेगी यहाँ पर नंबर खिलाड़ी किस प्रकार का होगा और सामने हो गए यहाँ पर एक बहादुर का देखना होगा यहाँ क्या बहादुर क्या दीपांकर के शॉट हो गए सामने होगा बहादुर मुकाबला बराबरी अब यहां पर खेल का मोमेंटम किस तरह से चेंज होगा। लेकिन सुशील इस मैच में इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है खेल में एक नया कहानी जुड़ता हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर रंजीत दो खिलाड़ी को तीन खिलाड़ी को बीट करने की कोशिश में है लेकिन ये खिलाड़ी बहुत अच्छा बॉल बना रहे हैं लेकिन मरना होगा। फिर से कुंजन टुडू बॉल के इंतजार में है प्रेम टुडू और इस बार सुनील सरदार लेकिन वहां पर थोड़ा सा सही तालमेल नहीं पलटवार और निश्चित रूप से उन्होंने खोई होगा किंग फिशर कोर्ट का टीम तो एक मैच है महत्वपूर्ण लीड बना तो ये लगभग सारे कम समय अड़ी जस्ती दिलचस्प है मैच या आखिर करके नोड़े खोई किंग फिशर कोर्ट का लेकिन टीम नोड़े खोई छह मैच को वापसी है और जी सुमित से यहाँ कोर्ट का टीम कहीं ना कहीं इस मुकाबले को खेल रहे हैं तमाम दर्शकों का जो ऑडियंस का इस टीम के ऊपर जो भरोसा है जो विश्वास है क्या उसको जीत पाएंगे पुनः किंग फिशर की टीम क्योंकि समय भी कहीं ना कहीं आधा से अधिक समय निकल चुका है काफी समय सेकेंड हाफ का शेष रह गया है तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा बहुत बड़ा एक चुनौती होगा किंग फिशर पुटका के लिए। मैच में वापसी आने के लिए एक महत्वपूर्ण गोल चाहिए शॉट लेने के लिए यहाँ पर तैयार साधु मंडी शॉट लिया कमाल का शॉट लेकिन गेंद पोस्ट के बगल से निकलती हुई अगर गेंद फ्रेम पर होता तो गोल की उम्मीद किया जा सकता था इस शॉट से बॉल नियर पोस्ट और टारगेट पर चली गई। अभी भी समय है इस मैच में वापसी आने के लिए और यहाँ कहीं ना कहीं तकरीबन यहाँ मैच का जो अभी सिलसिला जारी है हर संभव प्रयास यहाँ से किंग फिशर का मैच में वापसी आना लेकिन बारंबार भी दबाव देने की तैयारी में यहाँ पर दुर्गापुर तीन भार की टीम भरपूर प्रयास उनका टीम हो बड़ी अनुभवी टीम का नाको लंबा अनुभव बना तो उन्होंने सारे कम समय नुकवा प्रयास था है कि हर हाल उन्होंने कोई बीच महत्वपूर्ण गोल देते मैच को वापसी मैन खान कब तक उनका
मोब को बना दिया कब तक उनका मोमेंटम उन्हें को तैयार दिया बाबू डाला तीन बहार दुर्गापुर आठ नंबर गोराचांद लंबा पास सात नंबर रंजीत चंद्र रंजीत नियुदम बॉल बाय करें दरिदा निश्चित रूप से यहां पर रंजीत मंडी जैसे प्लेयर्स साधु मंडी जैसे प्लेयर्स यहां पर कुंजन जैसे खिलाड़ी यहाँ 12 नंबर में जो खेल रहे हैं 12 में घनश्याम मुर्मू जैसे प्लेयर्स इनके ऊपर में खास नजर रहेगा गोराचंद जैसे प्लेयर्स ये सभी क्या रोल निभाएंगे और यहाँ से तो निश्चित रूप से अपना रणनीति चेंज कर लिया है दुर्गापुर टीम बाहर की टीम अभी तक डिफेंस लाइन में गेंद शायद हमको लगता है नहीं रखेंगे ज्यादातर इनको लॉन्ग शॉट के माध्यम से गेंद को क्लियर करने का प्रयास रहेगा इनका तीन बहार दुर्गापुर ये अपना डिफेंस लाइन में बॉल होगी बंदी वहां लेकिन गोल समय रहा आरबी था मौका मिला वहां लेकिन फंसा हुआ प्लेयर्स ऑफ साइड है और ये देखिए मैच में 4 मिनट इंजरी टाइम मात्र 4 मिनट हम देखेंगे 4 मिनट में क्या कुछ करते हैं किंगफिशर पुटका बहुत बड़ा जिम्मेदारी पुटका के ऊपर और पीछे खेलते हुए रंजीत रंजीत मरंडी इस बार रंजीत ने सीधे फिनिशिंग जोन में खेल दिया गेंद को क्या वहां से कुंजन लेकिन तुषारदा आपको याद होगा इससे जस्ट पहले का जो मैच आज हम सुबह ने देखा जो एफसी चामुंडा ब्रदर्स गोकुलपुर पागुड़ और जयदेव नाइन स्टार क्लब मालदा की टीम खेल रहे थे इस मैच में कमाल का खेल देखे थे हम सुबह ने जो इंजरी टाइम था एक्स्ट्रा जो टाइम एड किया गया था उसी समय पर मालदा की टीम ने मैच को वापसी किया और मैच को पेनल्टी शॉट आउट के माध्यम से जीत लिया था क्या इस मैच में 4 मिनट का जो इंजरी टाइम जुड़ा है क्या इस मैच में किंगफिशर पुटका जो सभी ऑडियंसों का एक इनके ऊपर जो विश्वास जो भरोसा है क्या उसमें खड़े उतर पाएंगे क्या यहां से मैच में एक महत्वपूर्ण गोल के साथ मैच को इक्वलाइजर कर पाएंगे बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा सभी कहता है सिम और अमा कुकली लिखा गई थोड़े हजारों दर्शक जो तो हड़ा दिए कुकली बिना नवा मैच रहे छोटा दुर्गापुर की नवा मैच रहे अरे बेसाखो मीठे आरो गोल हुई क्रांसी टीम रन कैप्टन अमल बास की जरूर उन्हें प्रयास रहता है क्या लगी गुड़िया प्रयास रोका लगे अरे कुरुमटूर है मनोज किसकी कहे क्या नियम बात रिया गाती बुनियल रिया वा बना टीम रन खिलाड़ी टेक्निकल एरिया रेपिड है चुके उगड़ा एफसी एसकेएम रेड स्टोन भगनाडी बरहेट वर्सेस एफसी धरती बगान साहबगंज ये लोगों ने तो नोटा है ये अंतिम घड़ी रहे अंतिम समय रहे नवा मुकाबला ची नतीजा ही वाला इसी बीच में एक खिलाड़ी को वहां पर बदला जा रहा है अब जर्सी नंबर 11 परिमोल किस्कू इसको बाहर बुलाया जा रहा है फर्स्ट रिटर्निंग गोल दागने वाले खिलाड़ी अब इस समय मैदान छोड़कर बाहर जाते हुए नेतो छोटा दुर्गापुर टीम बाहर टीम से कोई नुआ बदलाव है और नया खिलाड़ी नेतो गौरा टुडू फील्ड रहे चिकोकर नेतो दुर्गापुर टीम रेडी और नितो नुडे पुटका टीम करो या मरूर या स्थिति ने बिना कुआ नुआ मैच रहे और नियत रास्ते नुडे हैंड रहे बॉल टकराव कर
हैंडबॉल रिया इशारा जरूर मिटे हैं अडिज नैतिकी एरिया खोज और क्या यहां पर एक मौका होगा इस मैच में दो दो की बराबरी पर आने के लिए यहां पर इस बॉल को शॉट लेना होगा क्योंकि इसके बाद हमको लगता है शायद मौका दोबारा नहीं मिल पाएगा किंग फिशर फुटका को मैच में वापसी आने के लिए जी हां और इस मैच में देखना है क्या यहां पर स्ट्राइक लेने के लिए साधु मंडी क्या कमाल दिखाएंगे नीला बॉल नोडे शॉट लगी बड़ी मौज सही जगह रे शॉट लगा बेनखान गोलकीपर चला गया बड़ी मौज उड़ाई गोलकीपर पूरा अनुमान सही किया अपूर्व रोया अरे बचाव करा बेनखान